चाहता हूँ 2013 के अंदर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना ये भारतवर्ष में या जो कहें कि पूरे विश्व स्तर पर एक काम बिंदु योजना है जन कल्याण। एक समय ऐसा था कि गरीब किसान मध्यम वर्ग का व्यक्ति जब गांव से इलाज कराने के लिए आता था तो पड़ोस से पैसा इकट्ठा करके वो इलाज कराने के लिए आता था। कई बार इलाज के दौरान उसे अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती थी। आज आपकी इस काम देने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ने न केवल उसकी जमीन सुरक्षित की बल्कि उसका पूरा स्वास्थ्य सुरक्षित कर दिया। आइए सर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को प्रदेश के जो लैब टेक्नीशियन है जिन्होंने कोरोना में इतना बेहतरीन कार्य किया है और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं 2013 से। कोरोना के अंदर जनरल महोदय ICMR की गाइडलाइन थी उनके अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्शन का जो कार्य था वो EMT चिकित्सक का था लेकिन उनका संख्या बल बहुत कम था। दूसरे लोगों ने जब उसके लिए मना कर दिया तो प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों ने बखूबी सैंपलिंग के कार्य को अंजाम दिया। RT-PCR का जो टेस्ट था वो नेगेटिव प्रेशर के अंदर हमने लैब में रहकर भी कार्य किया। जिलायक महोदय 1987 से लेकर के आज तक जितनी भी कमेटियां बनी है उन कमेटियों ने लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे को लेकर के कभी भी न्याय नहीं किया। माननीय भटनागर कमेटी जो थी तो उन्होंने हमारे कोर्स साइंस और 3 साल की डिग्री और डिप्लोमा को उन्होंने 10वीं पास तो 9 महीने की ट्रेनिंग मार करके हमारे साथ अन्याय किया। तो सबसे बड़ी हमारी जो पीड़ा है कि आज हम पड़ोसी राज्यों की आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के चलते उनके मरीजों की जांच कार्य प्रदेश के लैब टेक्नीशियन के ऊपर है तो कई पड़ोसी राज्यों का जो लैब टेक्नीशियन है उसको तो ग्रेड पे 2500 मिल रही है और कई राजस्थान के लैब टेक्नीशियन को 2800 मिल रही है। माने आपने हमेशा संवेदनशीलता के साथ में आपने हमारे दिल की आवाजों को सुना है तो हमारा एक ग्रेड पे को लेकर के आपसे पूरे प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों ने आज जैसे कल आपका मैसेज मिला उन्होंने एक ही निवेदन कहा है कि जनरायक महोदय के सामने हमारे ग्रेड पे की पीड़ा है उसको जरूर रखना। तो एक निवेदन सर्वोच्च निवेदन है हमारे प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों की ओर से कि हमारी ग्रेड पे की पीड़ा को इस बार एमराज कमेटी के अंदर आप पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरा करने की कृपा करेंगे। माने एक प्रधान प्रवर्तन है गैर वित्तीय मांग है आपकी जो पूरी ब्यूरोक्रेट्स की टीम है आज मैं कहता हूँ इससे अच्छी टीम हो नहीं सकती। CS मैडम है अतिन सर है आज अध्यक्ष सर ने हमारे पदनाम परिवर्तन के लिए 3 बार हमारे विभाग को लिख करके दिया कि इनके पदनाम परिवर्तन की पत्रावली भिजवाइए। बड़ा दुख होता है सर माननीय ये कहते हुए कि वहां पे विभाग में ये कहते जाता है कि आपके पदनाम पत्रावली पदनाम की पत्रावली है वो गुम हो गई विभाग में। आज किस तरह से आपकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं है आज पूरा राजस्थान का जो कर्मचारी है उस कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। एक हमारा पदनाम परिवर्तन है गैर वित्तीय मांग है महोदय इसको लेकर के आपको जल्द से जल्द अपना निर्णय सुना करके कर्मचारियों को धोखा देंगे। DPC की जो DPC की मांग है आपने 3 ऑप्शन भरने का DPC के बाद में 3 ऑप्शन चुनने का अधिकार दिया। आज मांगे बड़ा दुख होता है लेकर के कोरोना में दी गई सेवाओं के बदले आज 3 ऑप्शन से बाहर कर्मचारियों को पदस्थापन दिया जा रहा है। आज 3 ऑप्शन ही मांगे तभी लेते हैं और उनको कर्मचारियों को बाहर पदस्थापन दिया गया।